हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाईफाई कनेक्ट रहने पर भी, अगर आपका इंटरनेट का एक्सेस नहीं आ रहा है, वाईफाई कनेक्ट रहने पर भी अगर आपके इंटरनेट का एक्सेस नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना है अपने वाईफाई आइकन के नीचे कहीं नो इंटरनेट तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नो इंटरनेट लिखा हुआ है तो समझिए नेट नहीं आ रहा है, वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नो इंटरनेट नहीं लिखा हुआ है, एकदम नॉर्मल है और आपका वाईफाई कनेक्टेड है, फिर भी आपका जो है यहाँ पर वाईफाई इंटरनेट एक्सेस नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग कभी कभी ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा वाईफाई कनेक्टेड रहने पर भी इंटरनेट एक्सेस नहीं दे पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको यह सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। अब यहां पर आपकी ये तीनों नेटवर्क सेटिंग होती है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको जो है ना यहां पर इस पेज में अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। अब इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक कर देना है। तो आपका जो है नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप कर देना है। तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपका जो वाईफाई कनेक्टेड रहने पर भी जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा है इसे आपको उंगली से बाके रखना है। तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है तो कमी दूर हो जाती है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, वाईफाई कनेक्ट रहने पर भी इंटरनेट काम नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार इसे जो है जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको जो है ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना अपडेट होने लग जाएगा। अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा एक घंटा मैक्सिमम लग सकता है। तो आपको सिस्टम अपडेट का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा कंप्लीट होने देना है, ठीक है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वाईफाई कनेक्टेड रहने पर भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो है एक बार अपने फोन को अपडेट जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो है सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा, ये आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना अपना ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये अपनी सिम सिलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये एपिन का पेज ओपन होगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट एपिन सेटिंग। तो इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन की एपिन सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए, इन सभी प्रोसेस को आप जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन में जो वाईफाई कनेक्ट रहने पर भी जो इंटरनेट नहीं चल रहा है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है कि आपको आपने जिस कंपनी का वाईफाई कनेक्शन ले रखा है ना, तो उस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर को आपको जो है कॉन्टेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टेक्ट करना, अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस अगर काम नहीं करते तो।